एक सेठ जी थे, बहुत बड़े बड़े, खूब धनवान, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, कंपनियां चल रही है, सबकी सहायता भी करते थे। तो सेठ जी ने घर में एक बिल्ली पाल के रखी थी। कौन रखी थी? बिल्ली। तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। बैठक होती है ना, तो उन्होंने अपनी बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी। तो उस बैठक में पूरा गांव आया कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे एक भी नहीं। क्या करे आके? अब कौन है देखने वाला कि वो सहायता करेगा कि भाई चलो ये मेरे दुख में आया है। स्वार्थ रहता है तो ही साथ खड़े रहते हैं, वरना कोई साथ नहीं रहता। ये संसार ऐसा ही है, जितनी जल्दी सच का आप सामना कर लेंगे उतने सुखी रहेंगे। कैसा है? सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, अपने बनकर, ऐसे अपने कि मानो आपको लगेगा ऐसा रिश्ता तो मेरा किसी और के साथ है ही नहीं। इतने सगे बनकर खड़े रहेंगे, दुख में ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे दे। सच्ची बात है, हम आप सगे से सगे रिश्ते के बारे में कहिए, किसी की मृत्यु होती है, उसका सबसे अपना रिश्ता, वो रो रहा है, वो कह रहा होता है मुझे साथ ले जाते, मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे अगर सच में भगवान उस समय नीचे उतर के आ जाए ना कि चलो, फिर देखते कितने साथ जाए। सिर्फ कहने की बात है, जाने से सब डर जाएंगे। तो सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़े, कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़े। और आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से? एक बात बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि भगवान हर जगह से देख रहा है? हाथ उठाना। फिर भी पाप करते हो, फिर भी पाप करते, जानते हुए कि वो हर कोने से देख रहा है, तो देते हैं भगवान को धोखा, कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का।